Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जैसे कि आप सबको पता है कि आपका साहिर में हम मना रहे हैं पाकिस्तानी कल्चरल वीक। कल पहले दिन हमने गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत पर मबनी शो आपके सामने पेश किया, जिसमें उनके पकवानों, गानों और शादी ब्याह की रस्मों के बारे में आपको बताया। आज हम पाकिस्तान के एक और हसीन सूबे की रिवायतों और सकाफत पर मबनी शो आपके लिए लाए हैं। हम बात कर रहे हैं रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के लोग बहुत सादा तबीयत और खूबसूरत होते हैं। बलूचिस्तान के नगमे, गीत, गाने भी अपनी मिसाल आप हैं। और बात करें शादियों की, तो शादियां बलूचिस्तान में भी धूमधाम से मनाई जाती हैं। हर बार बंदी, जोल बंदी, दुजगी हिना और दस्तार बंदी उनकी खास रसूमात हैं। बलोची खानों की बात हो तो वो भी सबसे मुनफरिद होते हैं। दम पुख्त और सज्जी तो यहाँ की शान है। बलोची लिबास की बात की जाए तो मर्द हजरात घेर वाली बलोची शलवार के साथ वेस्ट कोट और कमीज पहन हैं और इसके साथ दस्तार पहनी जाती है, जो बलोची मर्दों की शान समझी जाती है। खवातीन भी खास किस्म की एम्ब्रॉयडरी वाली लंबी कमीजें पहनती हैं और दिल फरेब कढ़ाई वाली चादरें जेब तंग करती हैं। आइए आज के शो में हम बलोचिस्तान की सकाफत को आपके सामने पेश करते हैं एक नए अंदाज में। तो देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर। Thank you.
आज लोग भी कम है और मजे की बात यह तालियां भी नहीं है, तो थोड़ी सी जरा तालियां बजा दे ताकि मुझे पता चले कि अल्लाह ताला रहम करे आज शो बस गुजर जाए पूरा, बाकी खैर है सारी। एनीवेज गुड मॉर्निंग। आज पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का जिक्र है, रकबे के लिहाज से इसकी ज़मीन सबसे बड़ी ज़मीन है और बहुत सारे दिलों के लिहाज से। यार ये मैं बातें नहीं करना चाहता, देखें ये ऐसे दिल पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों के यकसां बढ़े। आई आई ऑनेस्टली ये सारे बात लेट्स नॉट, हम लफ्ज़ों से खेलना बंद कर दें तो बहुत अच्छा है हमारे मुल्क के लिए। हमें सच बोलना शुरू करना पड़ेगा, अगर हम सच नहीं बोलेंगे तो मसला हो जाएगा। लेट्स स्टॉप ऑल दिस हेयर एंड लेट्स स्टार्ट बीइंग पाकिस्तानी। पाकिस्तानियत कराची से लेकर खैबर तक पाकिस्तान ही पाकिस्तान है। अगर आप किसी भी शहर चले जाएं तो आपके पास पासपोर्ट ग्रीन ही होता है और इसी ग्रीन पासपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में हम काम करते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज, प्लीज डू नॉट पुट ये, इन्होंने तो मजाक में कही बात, लेकिन मैं वैसे मैं लेट्स नॉट अज्यूम कि कोई किसी का दिल बड़ा है किसी का दिल छोटा है, हर आदमी का दिल यकसा है। मुझे पता है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, हमारी टीम क्रिकेट खेलती है, तो आप लोग क्या करते हैं, दुआ करते हैं ना, दुआ करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त आप क्या किसी एक सूबे के लिए दुआ करते हैं, किसी एक शहर के लिए दुआ करते हैं? अगर बॉर्डर पे जो फौज जाएगी तो लड़ेगी जंग, तो क्या किसी एक शहर के फौजी के लिए दुआ करेंगे या पाकिस्तानी फौजी के लिए दुआ करेंगे? और थोड़ा सा जरा आप लोग, मुझे मालूम है कि तालियां वालियां जरा कमी बज रही हैं, तो जरा जोर जोर से बजा दो ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हम लोग बलूचिस्तान का मसला। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े बलोच मौजूद हैं, उमेर बलोच मौजूद है जी, बहुत सारी और एक बात है, आपने ये हमारी बलोची पगड़ी क्यों नहीं पहनी? यार मुझे मिली नहीं यार। नहीं आपको जरूर पहननी चाहिए, बल्कि ब्रेक में हम आपको पहनाते हैं, अच्छा लगेगा। क्या ख्याल है आप सबका? ये शायद बहुत जरूरी है। मैं कसम खा के कहता हूँ, जितना काम मैं करता हूँ ना, मेरी समझ में नहीं आता मैं यहाँ सुबह आके से जाता हूँ। आई हैव गॉट नो आइडिया। अख्तर चनार साहब मौजूद है, बहुत सारी तालियां अख्तर भाई के लिए। अच्छा अब जरा तालियां बजाते रहो, मिलकर बजाते रहो, बहुत सारी तालियां वर्दा के लिए। रानी आपा आज तो आप बड़ी कमाल लग रही है यार। रानी आपा पे कैमरा तो फोकस करो जरा, खड़ा करके रानी आपा पे कैमरा। ओए ओए वाह 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 वाह, रानी आपा की चप्पल भी फोकस करे। अच्छा बलूची में कहती है, बलूची में कहते हैं बाज वश, यानी बाज बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हां बैठे बैठे बाज वश, बाज वश, और बाज वश में ना ये वश है, बाज ये आदमी है, ये बाज है। I don't know कौन सा बात है, लेकिन ऐसा सुंदस मौजूद है, बहुत सारी तालियां सुंदस के लिए, बहुत सारी तालियां सलमा आसिम के लिए। भाई बलोचों में बंगाली, बलोचों में बांग्लादेशी अगर होते तो ऐसे होते। और हमारे हकीम साहब मौजूद है, बहुत सारी तालियां हकीम साहब के लिए, बिलाल के लिए, ऑफ कोर्स एक और बलोच मारिया, बहुत सारी तालियां मारिया। और आज देखें आप ये एक इतना खूबसूरत बैग, हाँ, जो कि बेसिकली लाला लेकर आए हैं। आज दे दो हाँ? आज दे दो किसी को ये बैग। नहीं तो लाला का बैग है ये, मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ? ये देखें बलोची बैग है, हो सकता है ये किसी को मिल भी जाए, साहिर यू नेवर नो, हो सकता है मिल जाए किसी को, ये तो लाला से पूछना पड़ेगा। दे सकते हैं आपका माल है, आप कैसे नहीं दे सकते? बस सही है फिर, आज आज जो यहाँ सबसे ज्यादा शोर करेगा उसको मिलेगा ये। अरे मेरी बात सुनो, आप मर्दों को बैग से क्या है, हम खवातीन शोर कर नहीं रहे, आप तो लोग शोर कर रहे। तो ये अपने आप को मर्द समझते कब है? अच्छा 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 छोटा सा एक ब्रेक है, छोटा सा एक, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अच्छा मैं लग रहा हूँ बलोच। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं कि ये पगड़ी जो मुझे बांधी है ये ब्रेक में बहुत जल्दी जल्दी लाला ने बांध दिया, तो बहुत सारी तालियां आसा भाई के लिए। और कुछ लेट लतीफ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, तो इनको भी, इनके लिए भी बहुत सारी तालियां, किरण के लिए बहुत सारी तालियां। यार डिसाइड कर लो यार, जब मैं तालियों को बोलूं तो फिर तालियां होनी चाहिए। और बहुत सारी तालियां अरूज के लिए। वली शेख साहब रह गए थे, वली साहब के लिए भी बहुत सारी तालियां। ये आखिर भाई आपके गाने से शुरू करना है, आपके गाने से शुरू करना है, उसके बाद आज आपको बताएंगे बहुत सारी रस्में जो बलोचिस्तान की होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बलोचिस्तान में बनाई जाती हैं। वी आर गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली कि क्या किस तरह से होता है। बारात भी आज है, और आज सबसे बड़ी बात ये हमारी बारात में ऊंट है। तो आज वेट करते रहो, क्योंकि आज हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, लेकिन तालियां आज ऐसी बजाओ कि बलोचों का ना जो भी शिकायतें उनको कभी किसी जमाने में भी रही है वो सारी। आपसे सही कह रहा हूँ ना मैं, ये क्या है माइक। कराची में कोयटा बना, अच्छा, दिया है, बलूचिस्तान बना दिया है, तो वाह तो निकलेगा। वाह वाह, थैंक यू जी, लगा जी बस शुरू की। और आप लोगों के हाथों ने चाहिए ऊपर जोर से, अभी आपको सुना जाएगा क्यों बोल रहे हैं। लगाने नाना अब आजा तो पक्का ने ट्राना, हो आजा तो पक्का ने वामना, हो जी साकना, ए जेरियो बल बल जाकना, हो जी मंदरी बरे ईद का वाका तो अंदरी, हो जी सुमरो कप फाज खुदा से जो लगाने नाना अब आजा तो पक्का ने ट्राना, हो आजा तो पक्का ने वामना, हो जी साकना, ए जेरियो बल बल जाकना, हो जी मंदरी बरे ईद का वाका तो अंदरी, हो जी सुमरो कप फाज खुदा से जो सुलेमान वाह बाबा जी लगाने नाना अब आजा तो पक्का ने ट्राना, हो आजा तो पक्का ने वामना, हो जी साकना, ए जेरियो बल बल जाकना, हो जी मंदरी बरे ईद का वाका तो अंदरी, हो जी सुमरो कप फाज खुदा से जो We'll be right back.
जे बग जेंजे ओढ़ना अब खंगी बिछिए डड गडना पव अंतु नु माता बडना ओ बापाज यो भाव बाग से अब छड के दर बुच जाग से पव छड के दर पव अर्दे मदर पव जूजू बर पव केन कचारी उस्तना ओ ईते मरदा ता मुस्तना ओ खलतिड़ बुरानो होकना पव रंदन मसिंगा लोकना ओ ऊना अंजामे नोखना ओ जी 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 साकना पव जैरी घटे जागना नाम हुसानना ए सत वतन के ने जानना ओ नूरिया नसीर खानना ए सत वतन के ने जानना है वक्त दस्तगीर बराबर नूर नसीर जान बराबर गाली नसीर जान बराबर सफी दुबासी बराबर ख्वाज बिराइम बराबर नूर नसीर जान बराबर वक्त हुसैन उनका मेरा
यार इतनी ऑडियंस के बाद तालियां तो होनी चाहिए, क्या हो गया है? अच्छा अच्छा ये बताइए रस्में क्या क्या होती हैं, थोड़ी सी जरा रस्मों के बारे में बात करनी चाहिए। बिल्कुल जी, रस्में तकरीबन पूरे पाकिस्तान की ऐसी मिलती जुलती हैं, लेकिन नाम फ़र्क होते हैं, कुछ तरीक़ेकार फ़र्क हैं। हालांकि उसी तरह रस्म की जाती है, हाँ की जाती है रिश्ता देखने के बाद, जब लड़की पसंद हो जाती है उनके नाम की इज्जत हो जाती है। उसके बाद जब शादी स्टार्ट होती है तो उसमें किले की रस्म होती है, जिसमें लड़की को माइयों पे बिठाया जाता है और उसको एक झोल डालकर हम पर्दे में बिठा देते हैं और फिर वो उस झोल से तैयार होकर ही निकलते हैं। एक सेकंड बेटा, शो यहाँ पे हो रहा है, इधर हेलो चाचा आंटी अंकल पप्पू, शो नीचे हो रहा है, बात नहीं करे यार, पूरी बात आवाज जाती है माइक में, इधर शो हो रहा है, सच में इनकी सुन ले पहले बात, एक दूसरे से प्यार करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और क्या पता तुम में से किसी की शादी बलोच खानदान में हो जाए, फिर क्या करोगे? तो सुन लो जो बता रहे हैं जी, प्लीज बताइए। अच्छा, इसमें किले की रस्म होती है, जैसे हम माइयों बिठाते हैं बच्ची को तो उसको किले की रस्म बोला जाता है, और झोल डाला जाता है उसके कमरे में घर के अंदर, ताकि वो उस झोल के पीछे रहे, यानी पर्दा करे। जैसे हम माइयों में शक्ल नहीं दिखाते, इस तरह ये लोग भी किले में शक्ल नहीं दिखाते, लेकिन फर्क ये है हमारी बच्चियां बाहर निकलकर तैयार होती है, ये झोल में से तैयार होकर निकलती है। तो आज हम झोल भी बनाएंगे? बिल्कुल जी, झोल भी डालेंगे। और एक बड़ी ही खूबसूरत रस्म है जो कि भाई करता है, और वो है मांग निकालने की रस्म। उसके बाद मेंढियां डाली जाती हैं। इस मेंढियों में बहुत से लोग कुछ बात करते हैं, कहा जाता है जितनी मेंढियां उतने बेटों के लिए कहा जाता है कि भाई अपनी तरफ से दुआ देते हैं, लेकिन एक चीज़ अगर बड़े ही गौर से देखी जाए तो वो उसकी मांग का एक हिस्सा होता है। आधी जिंदगी गुजर चुकी है, एक तरह से दूसरा पड़ाव स्टार्ट हो चुका है, और आपको दोनों घरों में बैलेंस रखना है, अपनी जिंदगी के अंदर बैलेंस रखना। बड़ी खूबसूरत मेंढिया की जाती है, कोई मेंढी मोटी होती है, कोई पतली होती है, तो ये एक सीख भी है कि दूसरे घर के अंदर लोग अच्छे हैं बुरे हैं, कोई मिजाज के सख्त है कुछ नरम है, तो आपने सब में एक मुनासिब सा बराबरी का वो रखना है, और इसमें वो मेंढियों का एक बड़ा एक खूबसूरत सा इम्तिजाज है इसके अंदर। लला, आप लावा थोड़ा आप बताएं कि क्या होता है, जो कुछ बताया इन्होंने सही बताया? बिल्कुल सही बताया। इस रस्म को सीम कशी कहते हैं। सीम अच्छा, मांग को हम सीम कहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल इन्होंने सही बताया। सीम कश यानी मांग निकालना। सीम कशी कहते हैं। अच्छा, ये पूरे बलूचिस्तान में होती है? बिल्कुल, हर जगह हर कबीले के अंदर होती है। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, और कोई ऐसी रस्म है जो हमें नहीं पता और अभी तक हमने जिक्र नहीं किया उसका, जो होती है ये जो इतर हमने रखे हैं, ये खुशबू भी लगाई जाती है? बिल्कुल सही। और ये क्या रस्म होती है? ये तो जब दुल्हन को तैयार किया जाता है ना, तो बहुत सारे खुशबू हैं हमारे, जो क्या कहेंगे उनको, जैसे पहाड़ों से पैदा होने वाली जो खुशबू है, अरबल कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, हाँ उस टाइप के, तो वो उसमें मिक्स किया जाता है, फिर उसको दुल्हन को लगाया जाता है ताकि उसके जिस्म से वो खुशबू आए। अच्छा, और दूल्हे को क्या लगाया जाता है, कुछ लगाया जाता है? बाज़े लोग लगाते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, जो ख़वातीन भी लगाती हैं, वैसे अक्सर दूल्हे को नहीं लगाया जाता। हाँ बिल्कुल नहीं, ऑफकोर्स मैं लगाया जाता है, वैसे ऐप नहीं है। हाँ, रस्मों का पूछ रहा हूँ कि रस्में क्या होती हैं। लेकिन सर भी इसमें बड़ा एक चीज़ की सख्ती की जाती है कि औरतें और मर्द बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की को दूल्हे के साथ बिठाया जाता है, बस वर्ष हाँ हुई और रुख्सती कर दी। नहीं, लेकिन यह है कि खवातीन आती हैं, आकर ले जाती हैं बच्ची, तो ये बहुत सख्ती से ये चीज़ की जाती है कि सेग्रीगेटेड। और बाजी, बेसिकली रस्मों में ज़्यादा इस्लाम को बेस बना के और इस्लामी रसूमात के साथ ही बलोच बेसिकली अपनी रसूमात में ये इन्फ्लुएंस ज़रूर रखते हैं कि कोई भी रस्म हो वो मुसलमान होने के नाते जितनी करीब है उस तरह उसे किया जाए। मतलब आप इसे कट्टर कह सकते हैं, जैसे जहेज की बात है, हमारे जहेज नहीं है, ये लोग जहेज नहीं लेते, ये बड़ी खूबसूरत रस्म है, बस लड़की दे दो, बस लड़की दे दो। लेकिन हाँ, लड़के के ऊपर होता है कि वो लड़की के माँ बाप को पैसे दे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पर जो इतनी हसीन चीजें रखी हुई है, क्या ये नाश्ता रखा हुआ है? यम्मी, ये है क्या? आपके लिए नाश्ता बनाया गया है, खास बलोचों का नाश्ता।
ये क्या है? खास बलोचों का नाश्ता। खास बलोचों का नाश्ता, बताइए जरा मुझे क्या क्या नाश्ते हैं। आप लोग जरा आए, खवातीन यहाँ पर आके बताएं ताकि पता तो चल सके कि ना। अबे तुम खातून हो क्या? आए खवातीन, क्या अजीब बात है यार, शुरू हो गए जी। प्लीज मैं हट जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ, आप लोग बताइए प्लीज जी, बताइए। हाँ जी, सारी खवातीन ओके। सुबह नाश्ते से पहले इन्होंने बता दिया था कि मैं ये लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा यार खिला भी दें। हाँ बताइए बताइए जी, क्या क्या बनाया था? सेवियां को कहते हैं माइचा बनाई है, जो कि बेसिकली सेवियां होती हैं जो कि गुड़ में और मक्खन में बनती है और बहुत क्विक रेसिपी। इसको दिखा दें आप टेलीविजन करते हुए, काफी अच्छा हो गया। अब तो दिखा दी क्या मैंने नहीं, ये देखिए आप चेक करें, आप चेक करें उसको। मैंने माइचा बनाया। अच्छा हाँ, माइचा ये होता। अरे भाई दिखा दो थोड़ा सा। कैमरामैन भाई को भी काफी अच्छा। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर देती हूँ कि माइचा के अंदर ये है कि वो हाथ की बनी हुई सेवइयां होती हैं, और जो कि जैसे पंजाब साइड पे हाथ में बट की रोटी बनाई जाती है और उसको बटा जाता है और वो सेवइयां सुखाई जाती हैं घर पे, इसी तरह माइचा बनाया जाता है। बाज़ औक़ात जब खाली खाया जाए तो उसको गुड़ के अंदर बना लिया जाता है शीरा, लेकिन ये है कि अगर नॉर्मली ये इसको फीका बना देते हैं इस तरह, ये काट कर इसको हम रखते हैं। अच्छा ये जो शरबत पड़ा हुआ ये क्या, इधर ले आओ बल्कि तुम, ये शरबत है क्या? ये क्या चटनी सर भी, ये बड़ी ही खास इनकी चीज़ है, और गुड़ के शीरे के अंदर खजूर बनती है। ओ अच्छा, और ये यूं करके बहन अगर हमें लाला को खिलाऊं तो सही, यूं करके सर्व की जाती है। ये लाला को मैं खिलाऊं तो सही, ये खजूर जो है खुश खजूर गुड़ के अंदर पकाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले आपको खिलाऊं। थैंक यू सर। थोड़ा अच्छा, थोड़ा ओके, थोड़ा सा मैं खिला रहा हूँ ये, और खजूर के साथ दे दूँ ना। हाँ हाँ, और साथ में कहवा चाय। तो उमर उमर लगारी साहब जो है आप भी खाएंगे। अच्छा ये लीजिए। नहीं मैं आपको दे रही हूँ जो आलू है। क्या लाला क्या कहते हैं? बात है अभी ना, जब मैं इनको खिला रहा था ना तो बली अपनी जबान अपने होंठों पे ना जबान फेर रहा था करके। वेरी वेरी नाइस जी, वेरी वेरी नाइस। हाथ बचा, बहुत टेस्टी है। और फिर साथ है कहवा चाय। और ये मेरे ख्याल दूध की चाय से ज्यादा दूध की चाय, बिल्कुल आपने नहीं दिया शायर बाबा। कोई बात नहीं, मैं कहवा लूंगा, मैं कहवा लूंगा बिल्कुल। ये दूध की चाय से ज्यादा प्रेफर करते हैं कहवा चाय को, मैं कहवा लूंगा बिल्कुल। लाला को ये लाला आपके लिए कहवा दे रहे हैं सर, ये कहवा आपके लिए, ये आप लोगों के लिए। लाइए लाइए लाइए, और दीजिए और दीजिए लाइए। इसमें चीनी तो नहीं है? ठीक है, वेरी वेरी नाइस, ये लीजिए। थैंक यू सर, आपके लिए रह गया, मेरे लिए रह गया, चलिए कोई नहीं। मुझे मुझे किसी मुझे मेरे उसमें मग में दे दीजिए, मेरा मग किधर है, किधर लाइए, इधर दे दीजिए। ये कहवा वही है, मैं इसमें से धुलवा रहा हूँ इसी के अंदर, अपने कप के अंदर डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस 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 बस, वाह। और ये बलूचिस्तान की सकाफत है, हमारी सकाफत है, हमारा प्यार है। इंतज़ार कीजिएगा, बड़ी बड़ी चीज़ें। अभी तो हम दुल्हन को लाएंगे, दुल्हन को लाने के बाद उसकी रसूमात होंगी, फिर उसके बाद हम यहाँ पर डांसेस करेंगे, फिर उसके बाद बारात आएगी, और बारात में आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हमारे पास आज बारात ऊँटों पे आनी है। तो यस यस, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जाजिए लैला लैला वो लैला बेहतर बराम सैला मिजाजिए लैला लैला वो लैला बेहतर बराम सैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला mijaziye leyla mijaziye leyla toshu to dir ko zaira mana kur ko zaira mana kur ko leyla vo leyla leyla vo shan ko leyla leyla vo ale leyla leyla vo wash leyla leyla vo leyla betar baras seyla mijaziye जी 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 मंदरी
Very, very nice. Very, very nice. Talia. बस अच्छा हमें हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है लेकिन मुझे वहां से मजा नहीं आ रहा बिकॉज ऑनेस्टली तालियां नहीं बजी। ये तो मेरा शो है, यहाँ पर तो इतना लाउड होता है, इतना लाउड होता है कि बंदे पागल हो जाते हैं। 1 2 3 गो। और हम सब मिलकर शोर करेंगे और तुम लोग भी शोर करो, किसी को ये फील नहीं होना चाहिए, हर सुबह को ये पता चलना चाहिए कि हम उससे प्यार करते हैं। 1 2 3 गो। आखिरी आवाज है भाई, ऐसा जोशो खरोश देख के हमारा भी दिल चाह रहा है हमारी भी शादी हो जाए। इस उम्र में आपकी दो ही चीजें हो सकती हैं, क्या? या तो इलाज या कुल। आप जो चाहें वो हम कर देंगे आपका। भाई आखिरी वाली बात अच्छी है, कुल करा देते है ना। शादी करके अच्छा, ही मरूंगा। अच्छा एक बात, ये शादी करके नहीं, आप वैसे ही मर जाएं, आप जिससे शादी करेंगे उसकी वैसी मौत हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, यहाँ यहाँ किसी पे नजर है आपकी? आपकी सभी अच्छे लग रहे। मैं ए पागल आदमी, मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ। कह रहे सभी अच्छे लग रहे जी, बताइए। ये मेरे जोक्स हैं, कल जाके इस पे हंसने का नहीं, आज ही हंसने का। बता दूं कल जाके याद आ गया भाई, अब पता नहीं क्या शक्कर से आया, कहां से आया तुम लोग। रानी आपा बहुत अच्छी लग रही है। उर्दू में उर्फ आम में इसे बेगैरती कहा जाता है। आपा भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं अच्छी भी बहुत लग रही है। वेरी बैड, आपने अच्छी लगने का कहा था भाई, अच्छी भी अच्छी लगने का। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शादी के लिए कौन आपको मुनासिब लग रहा है? वाजे करें भाई, वाजे करें भाई, वाजे करें। चाचा शादी के लिए कौन अच्छा लग रहा है? इससे दो बातें पता चली, एक तो इनका इलाज होना, दूसरे कान से बिल्कुल फारिग हैं। भाई सलमा जी बहुत अच्छी लग रही है। चाचा आप भी अच्छे लग रहे हैं। अगेन अगेन इसे उर्फ आम में चचा बेगैरती कहते हैं, क्योंकि सलमा जी की ऑलरेडी शादी हुई भी है। तो वाजे नहीं हो रहा कौन कुंवारा है कौन बियाया हुआ, वाजे करे ना भाई, हमें क्या पता कि कौन शादी हुई है। मैं आपको बताता हूँ, सुंदर हैं, मारिया हैं जिनकी शादी नहीं हुई भी है। मारिया की शादी नहीं हुई है? नहीं, अफसोस है इस सुस्ती की वजह, इस सुस्ती की वजह। हाँ वो मारिया बताएं सुस्ती की क्या वजह है। मुझे क्या पूछ रहे हो मारिया, मेरा नहीं बता देना, मैं मना कर रहा हूँ। भाई इनकी बात ना करें, ये जब भी किसी को कहेंगे ना जा जाके मारिया। आपको ये अंदाजा है ना कि आप कॉमेडी नहीं किया करें। आप कॉमेडी क्या करें, कॉमेडी। मारिया इस सुस्ती की वजह क्या बताएं? कोई वजह नहीं है, इस शायद इस जोक के लिए आज तक मैं रुकी हुई थी कि ये जोक करें मेरे। आज हो गया तो अब कल तुम्हारी शादी है क्या? या आज ही कर दें? कर दें आज ही कर दें। नहीं भाई नहीं, मेरे पे सेहरा नहीं टिकेगा। You have got माशाल्लाह बिलाल, बिलाल इज हियर। बिलाल बिल्कुल हसीन भी लगता है, जवान भी है, खूबसूरत करियर जवान है, दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगेगी। नहीं नहीं, हमने एक दूसरे को ऑफ द सेट जो है बहन भाई बना लिया। अरे यार तो बाकी तो अच्छा, डॉक्टर काशिप है, डॉक्टर काशिप, डॉक्टर साहब को मैंने अंकल बना लिया। डॉक्टर साहब एक सेकंड, डॉक्टर साहब ये कमीज इतनी छोटी थी या पहन के हो गई? नहीं ये छोटी थी। ये साहब ये बचपन की है। डॉक्टर साहब अपना बचपन याद कर। नहीं, ये मैंने स्पेशली
जल्दी में कमीज काट के फिर भाई ये बात नहीं है, जल्दी में ये मेरी कमीज पहन कर आ गए और मैं इनकी कमीज पहन कर आ गया। आपसे कितनी कितनी बार कहा है कॉमेडी नहीं करते। साहिर एक जमाना था जब बलोच कल्चर में छोटी कमीज़ें पहनी जाती थी। जी 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 नहीं छोटी होती थी नहीं अभी भी पहनते हैं। असल में ये ओरिजिनल ड्रेस है, मैं मुर्शिद हॉस्टल में होता हूँ तो भाभी ने अपने असिस्टेंट से लिया। ये बड़े हो गए जी। आते हैं हर थीम के हिसाब से आते हैं। वो जो आपने कहा था सॉरी भाई, आप मेरे बड़े भाई अंकल नहीं, आप सही है। बस अब इससे ज्यादा छोटी मत कीजिएगा, बिल्कुल इतनी कमीज बहुत अच्छी है। इससे ज़्यादा बड़े मत कीजिएगा। अच्छा सलवार का कपड़ा भी कमीज पे लगवा। कमीज का कपड़ा सलवार पे लगा। सुंदर सच से हंसते हम दोनों शादी कर। बली भाई आप बड़े सियाने हैं दोनों जगह। अरे अम्मा ऐसी बात नहीं करो, तुम्हारे बराबर में तुम्हारी बहू बैठा है, देखो जोर से। अरे नहीं रे नहीं, ओए फट गई फट गई। अरे नहीं रे नहीं, कौन फट गई आखिर में? ज्यादा ज्यादा इंसिस्ट किया ना तो आगे से आएगा दूड़े। मैं चाहता यही हूँ, इसके बाद लड़की मान जाती है भाई। अपने अपने से हो जाती ना फिर तो, थोड़े उड़े करके ना। अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद दुल्हन को हम लेके आएंगे, दुल्हन को लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रस्म हम बताएंगे कि जब हम दुल्हन के कपड़े दिखाते हैं और उन पे खुशबू लगाते हैं, तो छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इधर इधर हाँ जी, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और उसके बाद पहले ये रस्म करेंगे और उसके बाद हम नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद फिर दुल्हन को लेके आएंगे या दुल्हन को लाके भी हम ये रस्म कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, अब रस्मात शुरू हो रही हैं, साथ साथ बारात का इंतजार कीजिएगा क्योंकि बारात में आज हम ऊँट पे बारात लेके आ रहे हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ladies and gentlemen, once again, we're back. बहुत सारी तालियां हमारी दुल्हन के लिए क्योंकि अब दुल्हन की आमद है। लेकिन साथ साथ मैं ये चाहूंगा हमारे जितने ऑडियंस घरों में बैठे हुए हैं वो ये देख लें कि ये हमारी बलोची दुल्हन है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम कोई भी चीज शुरू करें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चेहरा ढका हुआ है, बिल्कुल ढका हुआ है। ये एक बलोची ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसके अंदर हमारी दुल्हन जो बेटी है वो इसके अंदर मलबूस हैं और दुल्हन की सहेलियां जो है वो उसके साथ हैं और इनको हम लेके जाएंगे जहां पर रस्में जो है वो तमाम की तमाम शुरू हो जाएंगी। आप लोगों की तालियां होनी चाहिए क्योंकि कैमरा दोनों तरफ कट होगा और मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस बलोचिस्तान के लिए ढेर सारी तालियां बजाए। एंड हियर वी गो लेडीज एंड मैन, 1, 2 and 3 मेरे ख्याल में चलना शुरू करें, क्या ख्याल है, चलना शुरू करें? 1, 2, 3 आइए जी।
के अंदर बैठे हैं उनको है वी गो दैट्स इट तुम लोग इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर खड़े हो पीछे उधर जाके हाँ उधर होए होए जीवात्रा एक छोटा सा ब्रेक है लेकिन ब्रेक के बाद एक गिफ्ट है आपको तालियां अभी भी कम है समझ नहीं आ रहा क्यों गाना आया था अफगान जलेबी याद है सबको असल में ये गाना अख्तर चनार साहब का गाया हुआ है वाह पहले ये गाना जो था ये अख्तर चनार साहब ने उसी पिक्चर के लिए गाया था फॉर सम रीजन वो गाना फिल्म में नहीं आ सका
आज मैं अख्तर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसी ब्रेक से वापस आते हैं हम उसी गाने से शुरू करते हैं और उसके बाद हम दुल्हन की रस्मों पे आ जाएंगे। और याद रखिए आज बारात है और बारात भी है ऊंटों पे, तो जाना कल डांस कंपटीशन सीजन वन के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डांस कंपटीशन के सीजन टू का आगाज आपका साहिर में हो चुका है। सीजन टू में आपका साहिर की टीम और जजेस ऑडिशन के लिए आए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में। एक गजब के टैलेंट ने इस महा मुकाबले के आगाज को ही इतना शानदार बना दिया कि जब डांस कंपटीशन का बाकायदा आगाज होगा तो दिलों की धड़कनें होंगी बेकाबू।
Y una vez más se viene el pasito de la Martita. De la Martita. Número 2. DJ Tadeo, DJ Raulito. Con fuerza, muchachos. Ella. Siga moviendo la Marta. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. Movete, Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto. ¿Qué dicen? La Marta. Se mueve para, esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! No para. Y mueva la Marta, mueva la Marta. आप लोग इतना डेड क्राउड है या उमराव जान अदा भी नाच रही होती ना आपसे भी पागल करते थे बात तरह शायर बाबा बस दो दो तीन बार और कहिएगा मेरा परसों स्वयं हो जाएगा। अच्छा जी एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद पहली रस्म करने जा रहे हैं हम जहाँ पर हम सलमा से कहेंगे कि वो दुल्हन के कपड़ों की और दुल्हन की जो बरी है उसके बारे में हमको बताएं। उसके बाद एक और रस्म है जो हम अगली ही ब्रेक के अंदर करेंगे, ऑफकोर्स उसके बाद ये शरबत जो है वो पिलाया जाएगा और लड़की फिर हमारे खानदान की इज्जत हो जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर अब आजा तपकने ट्रानना हो आजा तपकने वामना हो जी साकना ए जेरियो बलबल जाकना हो जी मुंगरी। ऑलराइट। अच्छा जी, अब डांस बहुत हुआ, गाने बहुत हुए, अभी तो बहुत कुछ होगा, लेकिन आइए पहले रस्म की तरफ चलते हैं। और ये लड़की के घर पे जो कपड़े आते हैं, कपड़ों की रस्म है, राइट? कपड़े बताए जाते हैं। एक्चुअली ये इसी तरह है जैसे जहेज दिखाया जाता है। ओके, जहेज या बरी बच्ची के घर जब होती है और जब उसे रुख्सत करने वाले होते हैं, शादियों की रस्में चल रही होती है, तो उनमें अपने घर वालों को, खानदान वालों को उसकी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बनाई गई हैं। और इसको खुशबू की रस्म भी कहते हैं क्योंकि इन कपड़ों पे उस टाइम इतर और खुशबू लगाई जाती है। थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाएं ताकि तो इसमें मैं आपको जो चीज ये कपड़े दिखाऊंगी बच्ची के, और मैं हदील को जरा इनवाइट करूंगी इस जगह पे। हदील आप हाँ जी, हदील सबने पहने हुए हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो हदील के लिए बहुत सारी तालियां, बिकॉज आज एक मुझे पहले बता तो लेने दे। आज ये जो कुछ है, ये जितना भी आपने ड्रेसेस देखे हैं, ये जो स्टाइलिंग देखी है, सारी हदील की हुई है, तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हदील ने बहुत ही खूबसूरत, ये हम इसे गग्गे भी कहते हैं, तो ये जो बलोचों का एक्चुअली खवातीन का जो ड्रेस है वो इंतहाई खूबसूरत होता है और बहुत आजकल दोबारा फैशन में भी, जो लाइक फैशन में ये चीज़ें नहीं होती है, इतना इन है कि जिसकी हद नहीं। ये कढ़ाई इंतहाई खूबसूरत होती है, तो इस तरह करके दिखाई जाती है, जो दुल्हन की माँ या बहन कोई बड़ी हो तो वो दिखाती है। अच्छा, इसमें खुशबू भी लगाते हैं? बिल्कुल। एक चीज़ मैं ऐड करूँ, ये वाला जो डिज़ाइन है ना सारे भाई, ये सबसे ओल्डेस्ट, इसी से फिर नए ट्रेंड्स, नए डिजाइन निकलते। ओके, दिस जालर और दिस इज द वन वेरी ओल्डेस्ट, लाइक पता नहीं कितने 100 साल पुराना ये डिजाइन है। वाओ, इसी से सारे बलोची कपड़े जो है हम उनको डिजाइन करते। अच्छा जी, खुशबू लगाते ही रस्म का आगाज हो जाता है, इसको खुशबू की रस्म भी कहते हैं लाला?
खुशबू ही कहते हैं, खुशबू ही कहते हैं। ओके जी, ओके जी, हमने ये खुशबू जो है ये मैं लगा रहा हूँ। अरे तुम्हारा भला करे अल्लाह मियां, बहुत कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, हाँ दिस इज इट। अच्छा ये देखिए, ये हाथ की बनी हुई चप्पलें हैं जो कि बलोची चप्पल भी कहलाती है। अच्छा ये ऐसे रखें, पहले लगा दो ना ताकि रस्म पूरी हो जाए। इनको श्वास कहते हैं, श्वास, वेरी नाइस। अच्छा जी ये बैग है? जी बिल्कुल, ये बैग है। अगेन हैंडमेड बैग्स हैं, ये सब चीजें हैंडमेड हैं, ये सारी हैंडमेड है ना? ओके। बड़ा टाइम लगता है जी इनको बनाने में और बड़ी मेहनत दरकार है, लेकिन बड़ी ही खूब। ये अख्तर चनार सर की एक बड़ी अच्छी डिजाइन है, ये आज वो ले आए हैं। ये लाइक दीवार के पीछे लगता है, ब्राइड के कमरे में। ये तो मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ लाला, मैं ये लेके जा रहा हूँ भाई, सॉरी ये मैं लेके जा रहा हूँ, इसके साथ लेके जा रहा हूँ। ये किसका है? ये भी दुल्हन का जी। अच्छा ये पर्स देख लीजिए, दिस इज ब्यूटीफुल। ये भी शायरी लेके जा रहा हूँ, ये तो सदफ से मैच हो रहा है सदफ। शायर बाबा, ये मिरर जो है ना, ये दुल्हन वाले जो है ना दूल्हे को देते हैं, जो आईना है। अच्छा अच्छा, दोबारा से दिखाइए, दोबारा से दिखाइए, दोबारा से दिखाइए। और ये तमाम लोगों को बता रहा हूँ, किसी के घर में सिवाय मेरे घर के नजर नहीं आना चाहिए, मेरी मिल्कियत है ये। पहले बता रहा हूँ मैं, हाँ कोई अगर यहाँ से गायब। अच्छा ये बहुत मेहनत से बनती है सारे भाई, बहुत टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है। अच्छा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि डेकोरेशन की दिखाई, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बच्ची जाके अपने घर में लगाती है, खरीदती है, इसी तरह है जैसे बर्तन क्रॉकरी कोई चीज़ बच्चा खरीदता है, कारपेट्स खरीदते हैं, तो इस तरह ये वॉल हैंगिंग्स हाथ की बनी हुई हैं जो कि ली जाती हैं और दुल्हन के सामान में रखी जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं खुशबुई की रस्म, जो कि उसका बच्ची का सामान जो है वो दिखाया जाता है। उसके साथ शॉल या मसल्ला कुछ भी आप वो भी ऐड करते हैं, वो ज़रूरी है। अच्छा ये क्या है? ये भी एक और ड्रेस है ना? अच्छा ये भी एक बलूची ड्रेस है, हैंडमेड, अगेन बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। अच्छा जी ये रस्म पूरी हो गई, अब आप लोग कुछ तहाइफ लेके आती हैं, कुछ खवातीन जो हैं अगर पीछे चली जाएं और तहाइफ की जो रस्म है लेके आने हैं, लेके जाने नहीं है। दे दो यार खुदा का वास्ता। भाई एक बात करूं, तमाम जितने आज भी सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, ये सब इन्होंने बड़ी जस्टिस की आज बलोची ड्रेस के लिए, तो मैं चाहूंगी इनको इजाजत। सीधी साफ सी बात है, आप बलोचन हैं और हम बने हुए हैं, लेकिन ये है कि इन्होंने हमें बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया। हम तोहफे लेकर आ रहे हैं, हम तोहफे लेकर, आप लोग तोहफे लेके आ जाइए, ताकि आपने बैठे रहना। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये कह रही हैं तोहफे दें मुझे। कोई बात, कोई बात, हाँ तुम्हें दें, तुम दूल्हा हो, आइए जी। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू हदील, बहुत बहुत शुक्रिया हदील के लिए, बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां हदील के लिए। अरे जब तालियों का बोलो बहुत सारी का मतलब होता है बहुत सारे। आपको याद है ना मैंने वो आपको बैग दिखाया था, जो सबसे ज्यादा शोर करेगा आज वो बैग लेके जाएगा, जो शोर करेगा वो। वन टू थ्री फोर गो, नो वन टू थ्री फोर गो। अच्छा अच्छा मुकाबला करवा लेते हैं, पहले आप लोग चिल्लाइए वन टू थ्री गो, वेरी गुड। अब आप लोग वन टू थ्री गो, आप लोग वन टू थ्री गो, वन टू थ्री गो। आप दोनों का मुकाबला है, वन टू थ्री गो। आप सारे लोग मिलकर करेंगे वन टू थ्री। एक मिनट पहले बजने तो क्या, बहुत जल्दी आप लोगों को बताने तो दीजिए, पीछे चले जाएं, पीछे चले जाइए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज लेट्स पुट सम म्यूजिक ऑन प्लीज, एंड देन प्लीज नाउ यू गाइस कैन कम फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच।
हबरबंदी की रस्म करने, हबरबंदी की रस्म करने, तो हबरबंदी में अंगूठी पहनाई जाती है। असल में बात पक्की हो रही है, बात पक्की हुई है, तो एंगेजमेंट काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रस्म। अच्छा, थोड़ा सा जरा ऐसे हो जाएंगे ताकि जगह मिल सके, कैमरों को जरा ले लीजिएगा। यहाँ पर पास हमारे पास मेहंदी भी है, तेल भी है, और ये क्या है, उपटन, उपटन है, मिठाई है, और जाहिर ये दुपट्टा है हमारे पास, और साथ साथ हम शरबत भी पिलाएंगे। बिल्कुल जी, जब ये हबरबंदी की रस्म हो जाती है, ये लड़के वाले लेकर आते हैं अंगूठी, लेकर आते हैं और बात पक्की करते हैं। लड़की की माँ उसको अंगूठी पहना देती है और उसके बाद हम इसको किले की रस्म पे ले जाएंगे। लेकिन जब हबरबंदी हो जाती है तो दूध का एक शरबत बनाया जाता है जिसे तमाम कराया जाता है। ओके जी, अच्छा, और ये यहाँ पर हमारे पास ये तहाइफ हैं, ये मौजूद हैं यहाँ पे, इसको तहाइफ को भी ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये लोग ये लेके आए हैं, ये बात पक्की करने की रस्म है। तो सबसे पहले अंगूठी हम पहनाते हैं और उसके बाद फिर हम दूल्हे की वालदा जो है वो पहनाएंगी। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, हम दुल्हन को शरबत पिला रहे हैं और साथ साथ मैं चाहूँगा कि लाला जो है वो भी शरबत पिए। ये मैं लाला को दे रहा हूँ शरबत। लाला बला कीजिए, जो सलामत रहे। दूसरा बलोच जो है उमेर बलोच, उमेर बलोच किधर हो तुम बाबा? जब शादी की रस्म स्टार्ट हो जाती है और अब हम इसके साथ ही किले की रस्म करेंगे जिसे माइयों की रस्म भी कहा जाता है, तो इसके बाद बच्ची का चेहरा कोई नहीं देखेगा, फिर हम एक झोल डालेंगे और झोल के पीछे बच्ची। अच्छा, आप रस्म कीजिए जरा, किले की रस्म किस तरह से होनी है? किले की रस्म के अंदर हम सबसे पहले ये बांधते हैं जिसमें मुंह ढका जाता है। जी, ये एक पर्दा, पर्दा है जो चेहरे पे बच्ची के बांध दिया जाता है, और उसके बाद हम उसको मिठाई खिलाएंगे, उसको तेल लगाएंगे, उपटन लगाएंगे और उसको फिर उसके कमरे के अंदर झोल डालते हैं। पर्दा जरा दिखा दीजिए, ये पर्दा है जी जो बांध दिया जाता है। काब बांध दिया जाता है और फिर ये चेहरा जो है वो अपना केले में वॉश कर लेती है, लेकिन घर में भी किसी को नहीं दिखाती, तो कहा ये जाता है इसका बहुत रूप आता है। बहन भाई भी इसके बाद नहीं देख सकते चेहरा, सिर्फ सहेलियां होती हैं। ओके ओके, कवर्ड रहते हो कमरे में, रहते हो तो आप जब ऑन द डे ऑफ शादी फिर यू लुक टोटली आउटस्टैंडिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अच्छा जी, अभी हम रस्म उसके भी पीछे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अख्तर सर बैठे हुए वो भी बता सकते हैं कि वो भाई आएगा, वो मांग निकालेगा और उसके बाद भाई जो है तेल लगाएगा और वो ब्लेसिंग्स होती हैं, और लिटरली लोग कहते हैं ये मिथ है लेकिन उससे वाकई में ब्लेसिंग्स होती हैं बहन के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसको सीमकश जो आपने बताया, सीमकश की रस्म जो है वो कहते हैं। अच्छा, तेल हम नहीं लगा रहे अभी? नहीं, मतलब मैंने लगा दिया हल्का सा, लेकिन ये है कि हमने पूरा। अच्छा, तो मैं लगा देता हूँ, मैं लगा। हाँ बिल्कुल जी, मैं भाई, मैं जगत भाई हूँ। तो और मैं ये वाला भी भाई हूँ और वो वाला तो भाई डेफिनेटली हूँ, वो तो मैं वही हूँ।
हाँ अच्छा जी बिस्मिल्लाह रहमान अल्हम्दुलिल्लाह जी नो कंप्लेंट कभी भी भाई बनने पे इतराज नहीं है कोई भी मुझे भाई बना सकता है भाई बनना तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यार इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो नहीं सकती और दोनों किस्म का भाई बनना है ये वाला भाई बनना और वो वाला भाई बनना दोनों किस्म की बहुत बड़ी ब्लेसिंग दोनों में ब्लेसिंग है डिस्गाइज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अच्छा एनीवे ये रस्म जो है ये हमने अभी किया दो रस्में हमने आपके सामने की एक तो खुशबू की रस्म थी जो हमने आपके सामने की दूसरी ये रस्म जो थी जो तहायत की रस्म जिसको हबरबंदी कहते हैं हबरबंदी हमने की और तीसरी रस्म जो थी इनकी मायों की रस्म थी किले की रस्म है अब इसके बाद हम इनको बिठा देंगे उसको मुकम्मल करेंगे और सीमकश की रस्म जो है आपने तेल लगाने का ठीक है वो आपने अच्छा ये देख लीजिए कि ये जो इनको नकाब हमने दिया हुआ है अब इनका चेहरा कोई भी नहीं देख रहा है सिर्फ और सिर्फ सहेलियाँ जो हैं वो देख सकती हैं या फिर इनके घर के करीबी लोग जैसे माँ बहन हैं वो देख सकती हैं इसके अलावा कोई भी गैर मर्द नहीं देख सकता और ये कब खुलेगा कब ये नकाब एक छोटा सा ब्रेक है अभी मुझे बता दीजिए मुझे नहीं बोला आप लोगों ने तो आपने मुझे इशारा क्यों किया है इन्होंने इशारा किया है शेख साहब ने इशारा किया उन्होंने इशारा किया था अल्लाह अरे क्या यार ऐसा ऐसा लग रहा है मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देख रहा हूँ एक आदमी कुछ कह रहा है दूसरा आदमी कुछ कह रहा है तीसरा आदमी कुछ कह रहा है और सारे लोग बैठ के सोच रहे हैं सब टोपी ड्रामा है सब टोपी ड्रामा है अब हम झोल में बिठाएंगे जी बिल्कुल हम इनको लेकर चलेंगे अच्छा और कमरे के अंदर एक जगह तार बांध कर या डोरी बांध कर झोल डाला जाता है फिर बच्ची उसके पीछे ही रहती है बताइएगा ये बताइए ये हमने ये बता सलमा साथ साथ ये हमने एक तार बांधी कमरे के एक कॉर्नर में बांधी जाती है और कमरे को एक तरह से एक पोर्शन दे दिया जाता है बच्ची के किले की रस्म के लिए और यूं झोल डालकर नहायत ही खूबसूरत चादर के साथ कुछ लोग इसे लाल चादर को गोटे में बनाते हैं बड़ी मेहनत हर चीज़ हाथ से बनाई जाती है अब ये बच्ची इसके अंदर ही रहती है और बस उसके बाद यहाँ से इसी झोल के पीछे से वो तैयार होकर अब अपनी रुखसती के लिए जाएगी ऐसे ही हुआ था जब आपकी शादी हुई नहीं एज इट इज तो नहीं हुआ था लेकिन मेरी कुछ कजिन्स के यहाँ ऐसा हुआ और हम लोगों ने अंदर उस तरफ बहुत तफरियाँ की लेकिन अंदर जा सकते हैं असल में ये है कि गैर जो लोग हैं घर के अंदर बहुत से मेहमान आए होते हैं शादी के दिनों के अंदर तो उससे बच्ची पर्दा करती है मोस्टली खालाओं से भी पर्दा करती है ये जब 7 दिन के बाद आप शक्ल देखते हैं तो बच्ची की बहुत निखरी बहुत रूप आता है तो इसलिए माइयों की रस्म या किले की रस्म की जाती है बस वही कॉन्सेप्ट है कि वो थोड़ा रिलैक्स रहे सबसे जरा से कट के थोड़ा सा अपने बारे में भी जरा सोचने लगे सहेलियों के साथ वैसे ही रिलैक्स और सहेलियां आती रहती है अंदर ही खाना जाता है अंदर सारा कुछ होता है चाय टाइम सारा कुछ अंदर ही अभी मैं यहां खड़े सोच रहा हूं एक बात ना है तो बहुत सिली बात लेकिन मैं सोच रहा हूं ये सारी रस्में औरतों के लिए क्यों होती है मर्दों के लिए क्यों नहीं होती नहीं उनके लिए है बैठ के ना हर आदमी वहां पर बोल रहा है बोले वो उसको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए थोड़ा अपने लिए सोचे थोड़ा ये करे थोड़ा वो करे मर्द कभी अपने लिए नहीं सोचे सोच ही नहीं सकता वो कोई टाइम नहीं है मर्द ऐसे पर्दे में जाके बैठे ना तो उसको 25 SMS आते हैं 1 मिनट के अंदर कहां हो तुम लेकिन साहब मैं एक बात कहूं कि ये जो रस्में थी ये बहुत खूबसूरत थी और जहाँ निभाई जा रही हैं उन्होंने बड़ा इसे कायम रखा है ये हर मतलब कल्चर के अंदर ये रस्म है किसी में माइयों कहा जा सकता है किसी में किला कहा जा सकता है लेकिन इसमें होता क्या है कि बच्ची शादी से पहले सारी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी होती है और ये दिन जो होते हैं उसके घर बैठने के होते हैं हम बाज बड़े बूढ़े कहते हैं कि नज़र लग जाती है बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए तो आजकल की बच्चियां जो हैं उनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं जो शहरों में हैं वो बेचारियां जॉब से आ रही हैं या काम कर कर आ रही हैं वो खुद ही अपने साथ अच्छा वैसे एक बात है आपने आखिरी मर्तबा मर्द के लिए बेचारा कब यूज़ किया था जब वो शादी कर लेते पागल हो जाता हूँ ये सारी बातें ना बेचारी बेचारी मैं मान लिया भाई माफ कर दे शादी से पहले मैं तो मैं कसम खा के कहता हूँ मैं दुनिया में सारी खवातीन से हारा हूँ मैं सलाम करता हूँ उनको आप लोग अजीम लोग हैं
मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ आपसे मिलते ब्रेक के बाद, अभी मुलाकात हो रही है बस।
सब लोग चिल्ला सकते हैं यस। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन वंस अगेन वी आर लाइव फ्रॉम टीवी वन। और इस वक्त यहाँ दस्तारबंदी की रस्म हो रही है, हमारे दूल्हा जो है वो यहाँ मौजूद है, इनको ये पहले कोटी पहनाई जाएगी, इसके बाद दस्तारबंदी होगी। लाला सही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो और जो ऊपर लोग हैं वहाँ भी कट करते रहेगा, जो ऊपर लोग हैं उनको तालियाँ बजानी है, बहुत सारी तालियों की आवाज़ आनी चाहिए हमको यहाँ तक। ऑलराइट जी, ऑलराइट, सबसे पहले मैं पहना दूं। अच्छा जी, आइए खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाइए। बिलाल तुम पहना दो। बिलाल जो है वो कोटी पहना रहे हैं इनको। डॉक्टर साहब आप भी हाथ लगाइए। ऑलराइट जी, माशाल्लाह। अच्छा ये कितने गज होती है लंबी? लंबी ये तो 20 गज तक पगड़ी होती है। 20 गज तक? हम लोग 12 गज। 12 गज या 20 गज, माशाल्लाह। दैट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस जी। शुरू कर रहे हैं हम। बैठ जाएं बेटा। टोपी रख लीजिए इनके सर पे। कुर्ती से ये बांधने बिल्कुल आसान है नहीं, इतना आसान बिल्कुल नहीं। ऑलराइट जी, बस अब इसको उठा दीजिएगा। शाबाश। ठहर जाइए। अब इसको सीधा कीजिए, दूसरा ऊंट लेके आइए, उस पर हम लोग बैठेंगे। ऐसे कीजिए, सीधा कर दीजिए।
आइए जी 1 2 3 लेट्स प्ले द सॉन्ग। और मेरे डांसर्स का आगे आ जाए
माशाल्लाह। अच्छा हमारे जो डांसर्स है वो भी जरा पीछे आ जाइए, इधर आ जाइए, सब पीछे आ जाइए, और तुम लोग जरा नीचे आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब लाला लाला हमारा दूल्हा जो है वो आ चुका है, अब इसके बाद रुख्सती होती है, अब वो रस्मबाजी। साइलेंस 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 साइलेंस, तुम लोग नीचे आ जाओ, आप लोग सब उधर आ जाइए, उधर आ जाइए, उधर आ जाइए, उधर आ जाइए, ग्रैंड फिनाले के लिए उधर आप लोग उधर आ जाइए, उधर 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 बेटा आप लोग उधर आ जाइए, आप भी उधर आ जाइए, आप लोग जरा मेरे पास नीचे आ जाएं, आप लोग उधर आ जाइए। अच्छा जी ये बलोचिस्तान के रंग हैं, आप लोग बैठ जाइए एक साथ, थोड़ा सा स्कूट उधर हो जाए। बेटा तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ बीच में इनके साथ, थोड़ा इधर हो जाए। अच्छा जी ये बलोचिस्तान के रंग हैं, सबसे पहले तो हमारी बलोच कौम के लिए और बलोचिस्तान के लिए बहुत सारी तालियां।
कल ये लोग हमारे साथ ऑडियंस में थे और इन्होंने एक परफॉर्मेंस दी थी जिसको हमने बहुत पसंद किया। बेटा आप भी करेंगे? अच्छा to say thank you to all of you who have come here. Bahut bahut shukriya Hadil, aapka bahut shukriya, thank you so very much. Nahi aap log kahin nahi ja rahe, aap logon ne to finale kar li hai, aap log dance karte rahiye, kya ho gaya aap logon ko, main to sabka shukriya ada kar raha hu. Acha ek kaam karo, ye band kar do, Laila laga do, dekhte hain kaun karta hai, dekhte hain kaun karta hai, Laila mein Laila, let's see ke kaun karta hai. अच्छा जी, जो भी जो जो लग सकता है वो लगा दीजिए. हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ है, थैंक यू सो वेरी मच. कल सुबह 9 बजे मुलाकात होगी, लेकिन आप ये डांस जरूर इंजॉय कीजिएगा सब लोगों के साथ, इन सब के साथ. ये फिनाली है लाला का. अख्तर चनार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाइए सर, बहुत अच्छे. Here we go, थैंक यू. एंड लेडीज एंड जेंट्स, सो लॉन्ग फ्रॉम अस. कॉम्पिटिशन सीजन 1 के बाद पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े डांस कॉम्पिटिशन के सीजन 2 का आगाज आपका साहिर में हो चुका है. सीजन 2 में आपका साहिर की टीम और जजेस ऑडिशन के लिए आए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में.
ऑडिशंस लेने के लिए। तो लोहारियों आप लोग तैयार हैं? एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदेरे और खन की पायल मस्ती। एक गजब के टैलेंट ने इस महा मुकाबले के आगाज को ही इतना शानदार बना दिया कि जब डांस कंपटीशन का बाकायदा आगाज होगा तो दिलों की धड़कनें होंगी बेकाबू।